होगा। तौसीफुर रहमान, सवाल मैं आपको तरफ डालती हूं क्योंकि इसमें ममता बैनर्जी का भी सवाल। जी जी एक बार दोबारा इसको रिपीट करें ना विक्या जी प्लीज। सारे जो लीडर्स थे इन स्टेट्स के, केसीआर, ममता बैनर्जी, इन्होंने सोचा राहुल गांधी बहुत वीक हैं, इसीलिए चाहते थे कि वो खुद प्रधानमंत्री बन जाएं। अब राहुल गांधी और कर्नाटक की जीत जो कांग्रेस की हो गई है, तो आपके नेता का क्या होगा, ये पब्लिक पूछ रही। मैडम देखिए, हर चीज सिचुएशन के हिसाब से होता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी बहुत वीक हो गए हैं या उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी का मजाक और कांग्रेस का मजाक हमेशा भाजपा वालों ने उठा हुआ है। रहमान, आप ममता बैनर्जी को सुनते नहीं है क्या? अगर रीजनल पार्टी में अभी आप भूल गए, ममता बैनर्जी दीदी ने कहा था कि राहुल गांधी की टीआरपी सिर्फ मोदी से आती है। जी ये अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ। आप ममता दीदी सुने चेन बोले चिलन राहुल गांधी टीआरपी आसचे मोदी थे के। देखिए अधीर रंजन जी ने बंगाल, अधीर रंजन जी ने टीएमसी पे हमेशा अटैक किया, बट मैंने आपको बताया सिचुएशन चेंज होती है। जो सिचुएशन अगर चेंज होने वाली है और आपके पास तो ये वीकली टीआरपी है, हमारी जैसे हर थर्सडे को आती है, आपकी भी टीआरपी हर थर्सडे को आती है। ये समझाइए, नहीं मुझे देखिए ये समझाइए कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया वालों को और विपक्षों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर कांग्रेस और टीएमसी या जितने भी अन्य दल हैं अगर मिलकर काम करना चाहते हैं और कोई अच्छी सोच की तरफ अगर जा रहे हैं, नेता कौन होगा, क्या है नेता कौन होगा मिलकर काम करने पर? को अपनी दिशा की सोचनी चाहिए। नहीं मिलकर काम करेंगे तो आप नेता सटीक तौर पर सोचा जाएगा, नेता सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने अडवाणी को मच्छर की तरह उठा फेंक दिया था, ये देखिए ये भाषा देखे मैं आपकी पार्टी के विषय में भाषा इस्तेमाल करूंगा ना तो आप बैठ नहीं पाएंगे। तौसीफ जी, यू बेटर माइंड योर लैंग्वेज। आप अडवाणी जी के रहमान जी कौन है? नहीं नहीं मैं एक्सपांज करती हूं। मैं तुम्हारी पार्टी की औकात क्या है? एक मिनट तुम्हारी पार्टी की औकात क्या है? मैं अडवाणी नेता के बारे में बात कर रहा हूं। तौसीफ उर रहमान अडवाणी जी बहुत सीनियर नेता, अडवाणी जी मच्छर की तरह क्या बकवास है? नेता उन नेताओं के साथ ममता जी भी काम कर सकती है। इस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, ये स्टेपनी है टीएमसी का। नहीं नहीं, किसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को टीएमसी ने तृणमूल का प्रवक्ता दिया है। देखा आपने, ये ममता दीदी का बयान है अधिकृत? ये ममता दीदी का बयान है अडवाणी जी के विषय में? बता दीजिए, बयान नहीं हो सकता। मैं एक्सपंड कर रही हूँ और मैं इस तरह की टिप्पणी किसी पर नहीं चाहूंगी। लेकिन निखिल तो जब गलती होती है तो माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता। अडवाणी जी जिस उम्र में है, कम से कम ये भाषा तो उनके लिए इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरीके से बिहेव किया गया, जिस तरीके से उनको, देखिए तौसीफ जी, अगर संविधानिक और पार्लियामेंट्री भाषा का उल्लंघन आप करेंगे तो मैं कई गुना ज्यादा कर सकता हूँ आपके सारे नेताओं के काले कृत्य और उनके जो करतूत हो सकता है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो मुझे लगता है आप एक युवा प्रवक्ता हैं, आपको अपनी सोच को भी ठीक करना चाहिए। लेकिन पब्लिक के सवाल, मेरा एक वाक्य, ये जो इतना छाती कुर्ता फाड़ रहे कांग्रेस पार्टी के लिए, इनको पूछे कांग्रेस का अलायंस आज भी लेफ्ट के साथ है? आज भी लेफ्ट के साथ है तो गले मिलो लेफ्ट के, नहीं बोलो लेफ्ट के साथ भी गले मिल रहे हैं। त्रिपुरा में किसके खिलाफ लड़ा? गलत फहमी है तो निखिल का लखनऊ से